नई फिल्में शुरू हो रही हैं प्रोडक्शन नंबर वन और एक और फिल्म है, दो फिल्में जिसमें आप आए हुए हैं, आपके साथ ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी है। आप कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में, फिल्म के बारे में? सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया है और मैं इनकी टीम में काम करूँगा। पहले कई बार हमारी बात हो चुकी है, तब से हमारी बातचीत चल रही है, अब हम सारे काम करेंगे और इनका धन्यवाद है और मुबारक। यहाँ पर धन्यवाद की बात नहीं है क्योंकि के भाई इतने अच्छे एक्टर हैं कि इनको हम काट ही नहीं सकते। ये एक्टिंग ही ऐसी करते तो वही एक करेक्टर रहता है जिसमें दिखते यही नजर आए, यही कर सकते। संजय जी थोड़ा सा और बताइए के जी के करेक्टर के बारे में, क्योंकि बड़ा शानदार करेक्टर है। के जी का कुछ अलग ही कॉमेडी करेक्टर है लेकिन कुछ अलग हटके, आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। कॉमेडी के साथ साथ कुछ इमोशनल भी होगा, ये हंसाने के साथ रुलाएंगे। अरे वाह क्या बात है। शमीम भाई पहली बार मैं काम करूँगा लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत क्रिएटिव पर्सन है और इनकी क्रिएटिविटी जब भी फिल्म बात में की आज उसके साथ पता चला कैसी फिल्म बना सकते हैं। अगर इन्हें मौका मिले तो ये जो पत्थर पर बारे में बात करेंगे। संजीव भाई ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है इस बार, बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि आप हंसाने के साथ साथ इस बार रुलाएंगे भी। रोलिंग सर, एक नई फिल्म शुरू हो रही है प्रोडक्शन नंबर वन जिसे अनाउंस किया जा रहा है, आप शुभकामनाएं विशेष देना चाहते हैं फिल्म की टीम को? क्योंकि मैंने फिल्म का नरेशन लिया है, ये फिल्म बहुत ही हार्ड हिटिंग है, बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही नॉवल आइडिया है। जैसे आज आपने देख लिया तो अनुराग कश्यप ने दोबारा बनाई, विच इज़ अ डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया जो पहले आया नहीं है, उसी किस्म की ये फिल्म है। ये फिल्म में बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है, रियल कैरेक्टर्स हैं जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये टच करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इन लोगों से एंड फिल्म में डेफिनेटली सर आप होंगे फिल्म का हिस्सा। हाँ जी, मैं फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर बताऊँ, आप देंगे यूरा जो बहुत ही बुरा इंसान है, एक छुटका है जो बहुत ही इविल आदमी है। एंड हाउ कैसे ये जो हिम्मत जो होते हैं जो जिनका कम्युनिटी होता है वो कैसे लोगों का हाल होता है, कैसे ज़बरदस्ती करता है, कैसे इवेंट को बढ़ाते हैं और उस इवेंट में ये भी अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। बट मेरी शक्ल में लिखा हुआ है कि मैं इविल आदमी हूँ, कि मुझे इवेंट में मिलता है तो मैं डेफिनेटली पार्ट अदा करूँगा और मैं किसी रियलिस्टिक कैरेक्टर को बेस करूँगा ताकि लोगों को कनेक्ट हो। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमको इनवाइट किया गया या बुलाया गया, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मुहूर्त भी होगा, फिल्म स्टार्ट भी होगी। हम पहले भी नैनीताल में थे, उस फिल्म का नाम था अनजाना इश्क, यस। और इसका नाम है, इसका भी प्रोडक्शन नंबर बने क्योंकि अभी टाइटल एक्सटेंड ही, तो नाम नहीं प्रोडक्शन। हम पहले नैनीताल में थे काफ़ी दिन तक और शायद अभी भी हाँ देहरादून और मजदूर दोनों, फिर मौका मिलेगा वहाँ जाने का। इतने खूबसूरत जगह में देखेंगे, मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दोस्ती करेंगे, शूटिंग करेंगे, एक्टर बनेंगे, सब कुछ करेंगे वहाँ पर। तो सुनील पाल जी यू आर ग्रेट। सुनील सर जी, सुनील भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दोस्त राजू श्रीवास्तव को लेकर बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, करीबी दोस्त हैं आप और लगातार आप अपडेट्स देते रहे हैं, क्या जानकारी इस वक्त राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर मिल पा रही है? बहुत खुशी वाली ही खबर समझिए इसे कि काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। भाई की बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू कर रही है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर अपडेट्स दे रहे हैं। एम्स तो वैसे ही एशिया का सबसे नंबर वन हॉस्पिटल है, स्वयं मोदी जी वहाँ पर
दखल दिए हुए हैं योगी जी, अरविंद केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और राजू जी का पूरा परिवार, खासकर राजू जी को प्रणाम करता हूँ महामंत्रों में। ऐसे माहौल में उन्होंने पूरे अपने आप को पूरे परिवार को धैर्य के साथ बांधे रखा है। yes. और उन्होंने मुझे कहा कि सुनील बहुत पॉजिटिव सोच रखना, हम सब पॉजिटिव हैं और इस तरह से तुम्हारे भाई रिएक्ट भी कर रहे हैं, दुआ भी लग रही है, तो पूरे देश की दुआएं चाहिए हमारे कॉमेडी टीम को, हमारे गजोदर भैया को, और उठ खड़े उधर भैया, अरे भैया मजाक मजाक में हम भी आ गए भैया, वो जरूर आएंगे, क्या बुलाएंगे, क्योंकि जब आप हंसते हो भगवान की प्रार्थना करते हो, जब आप किसी को हंसाते हो तो भगवान आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वाह, घर से मस्जिद है तो दूर चलो ये कर ले, किसी रुकते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो हंसाने से बड़ी इबादत नहीं है, हंसाने से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है, हंसाने से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है, तो डॉक्टर की मेडिसिन और मेडिकल की मेडिसिन दोनों वहाँ पर प्यार वापस से मिल के एक चमत्कार करेगी, और हमारे भाई राजेश जी फिर से उसी जोश में उसी खर्च में वापस आएंगे और ताम हंसाएंगे, हजारों साल हंसाएंगे, सर एक नई फिल्म शुरू हो रही है, प्रोडक्शन नंबर अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं आप लीड प्ले करते हैं फिल्म के बारे में, क्या कैरेक्टर है फिल्म में, क्या किरदार है बेसिकली आप लोगों का? फिल्म में अभी तो ये फिल्म एक बॉक्सिंग के ऊपर है, एक किन्नर एक बॉक्सर के ऊपर है, तो जो किरदार है वो एक बॉक्सर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल अभी आगे बताएंगे, एक बातें करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए बॉक्सिंग और किन्नर के बीच में एक चोरी है और जो इनका जो रिलेशन है उनके ऊपर है, और आगे जाके हम देखेंगे आगे क्या क्या ऐड हो जाएगा। सर संजीव जी ने बताया कि स्टोरी बड़ी यूनिक है, बहुत दिलचस्प कहानी जो है वो होने वाली है इस फिल्म की, क्या ये वजह है आपकी इस फिल्म का हिस्सा बनने के पीछे? वैसे ये मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, जी जी को ट्रस्ट है कि ये अच्छी और इन्हें जो मुझे नरेट की थी, मुझे बताया था इनका बहुत पैशन था इस चीज़ को लेकर कि ये मुझे चीज़ करनी है, इतने ब्यूटीफुल थे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो उनका कमराडरी उनकी जो है, जो एक किन्नर कैसे अपना कैसे करता है, बॉक्सर कैसे उसको हैंडल करता था उसके बारे में, बहुत ही कर गए हैं किन्नर की जो स्टोरी है वो एक स्टोरी बताया गया है कैसे किन्नर का समाज क्या होता है, और अभी लोग नहीं बता सकते लेकिन बहुत। सर आपसे तो फिर भी जानना चाहूँगा कि आपको किस कौन सा किरदार दिया गया? मैं इतना ही बताऊँगा कि हमने एक मेल डायनेस्ट इन द फिल्म, तो उससे आगे तो आई कैन लिविंग राइट नाम, ये है कि वी ऑल थिंग लाइक वी फीमेल मैनेजर मेल डायनेस्ट। अच्छा दो फीमेल एक्ट्रेस है, कोई और भी एक्टर होंगे इसके ऊपर? ये आप सेकंड तो नहीं होने के, तो मुझे पता नहीं कौन से एक्टर्स होंगे, नहीं है बस हो गया काटा की आनंद की आपने इसके अंदर आई, थैंक यू मेरा परिचय करना है, ये फिल्म प्रोडक्शन नंबर वन है कि कहानी बड़ी इसके निर्देशक है संजीव त्रिवन है, मूवी कर चुका जब उनका मौरा है एक और मूवी कर रहे हैं, चाहता हूँ आप अपने माता साहब सर उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराइए और इनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। शमीम अख्तर जी हैं, ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोशन मूवीज का फिल्म का पहला फिल्म पहली फिल्म कर रहे हैं, इसका टाइटल दिया हुआ है लेकिन अभी टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने प्रोडक्शन नंबर वन को किया है, और ये फिल्म बहुत कोशिश के बाद हम लोग बना पाए हैं, बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत टाइम लगे हुए हैं, आज इस मुकाम पर पहुंचे कि उन्होंने शुरुआत कर ली,
बाकी शमीम भाई कुछ कहना चाहेंगे? शमीम भाई आप कुछ बताना चाहते हैं, कैसे मुलाकात हुई, फिल्म जो है वो कैसे प्लान हुई और ये हुआ कि भाई ये पिक्चर जो है वो की जाए? हमारे बहुत पुराने 7-8 साल से उन्होंने कहा स्टोरी लेके आए तो मुझे पसंद है, उसको कहानी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुश्किल क्या आई सर? आप बता रहे थे कि मुश्किल कई सारी आई। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें कोई मुश्किल नहीं। संजीव इसके बनाने में जो भी इनकी मतलब सारी तकलीफ। फिल्म के प्रचारक ने कहा कि ये जोड़ी के और भी 10-12 इंटरव्यू करने हैं, मतलब 10-12 फिल्में और बनाने वाले हैं आप लोग एक साथ में। और ये मैंने आपको बताया ना अभी कि 2 फिल्में हैं जी, एक नहीं ये 2 फिल्में। ये दोनों फिल्में, एक तो लव स्टोरी है और एक जो है ऑफ बीट फिल्म है, इसको कह सकते हैं। और भी टाइटल आएगा तो उसके बाद ही बता सकते हैं इसके बारे में। और जल्दी हम लोग शूट पे जा रहे हैं, सितंबर में शूट करेंगे। सर तो ये दोनों फिल्में एक साथ आप शूट करेंगे, एक के बाद एक करें। एक के बाद एक तो पहली कौन सी शुरू होगी? पहली बॉक्सिंग वाली, बॉक्सिंग वाली लव स्टोरी बाद में शुरू होगी। एक्टर्स वो होंगे या फिर एक्टर्स भी चेंज होंगे? हाँ चेंज हो सकते हैं, अगर इसमें परफॉर्म अच्छा किया तो वही एक्टर हम लोग रिपीट कर देंगे जी। शमीम भाई आपने बताया कि जिस तरह से साड़ियों का कारोबार है तो हीरोइन जो है बनारसी साड़ी में कई बार नजर आएगी फिल्म में। साड़ी में आ जाएगी तो अच्छा है, कहानी के हिसाब से देखेंगे, लेकिन साड़ी के चक्कर में थोड़ी वो साड़ी में तो रहेगी, साड़ी है साड़ी में तो दिखेगी। मैं 15 अक्टूबर को फैशन शो कर रहा हूँ बनारसी साड़ी का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और चीफ गेस्ट जो है अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया जा रहा है, उसके लिए लेटर भी भेज दिया है शमीम भाई ने, और वहाँ से 80% उनके भी होंगे। सितंबर में बुलाया आपको मिलने के लिए, और अखिलेश भाई ने बोला भी था बुलाने की, मतलब अपनी को भरपूर एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना इस फिल्म के लिए आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बहुत अच्छी बनाएंगे, थोड़ा दिखा दीजिए। जिम तो नहीं है लेकिन हम लोग शूट करने वाले जिम कार्बेट में भी, ये शायद ये सुना होगा। गुड वन सही है। शमीम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं केके जी के बारे में? इनके जो है ये टीवी पर भी बड़ा फेमस नाम है, फिल्मों की दुनिया में तो पहले बहुत देखा है। अभी जो कहानी में आए उसको, जो कहानी में आए कहानी के हीरो में समझो आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों को संजीव जी, थोड़ा सा फिल्म के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, किस तरह की पिक्चर होगी, कब रिलीज का प्लान है आपका? रिलीज का तो प्लान अभी नहीं है, रिलीज का प्लान दीपावली के आसपास ही होगा, दीपावली के बाद। ये 2 फिल्में, एक नहीं 2 फिल्में। अभी टाइटल भी आपने टाइटल अभी दिया हुआ है, टाइटल जब रजिस्टर्ड होगा तब बताएंगे, अभी प्रोडक्शन नंबर बन करके अपन कर देते हैं। चलिए ठीक है, बस तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम लोग का तहे दिल से ये फिल्म के लिए एकदम शुभकामनाएं, और अच्छी ये फिल्म चले और हर जगह इसका प्रचार, हम दिल से हर तरह शुभकामनाएं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविशंकर पांडे, हम वाराणसी से। मेरा नाम मैं नोएडा, बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, आज ये भी आई। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितने वाराणसी से रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सबसे जा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तरक्की करे बने। धन्यवाद जी। इस फिल्म में आप किस तरह से हम लोग संजीव जी डायरेक्टर, बहुत ही बीबीसी
Thank you, sir. Thank you.